हरे कृष्णा राधे राधे जी बंधुओं, आज कार्तिक मास का पांचवा अध्याय जो इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा, मुने आपने कार्तिक मास के स्नान का महान फल बतलाया, अब उनमें किए जाने वाले स्नान की विधि और नियमों का भी वर्णन कीजिए, साथ ही उनकी उद्यापन विधि का भी ठीक ठाक बताइए। नारद जी बोले, राजन तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिए कोई बात अज्ञात नहीं है, तथापि तुम पूछते हो, इसलिए मैं कार्तिक के परम उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसी दिन अलस्य छोड़कर कार्तिक के उत्तम व्रतों का नियम ग्रहण करें। व्रत करने वाला पुरुष पहर भर रात बाकी रही तभी उठे और जल सहित लोटा लेकर गांव के बाहर निकृत्य कोण की ओर जाए। दिन और संध्या के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तथा रात को तो दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करें। पहले जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लें और भूमि को तिनके से बढ़कर ढककर अपने मस्तक को वस्त्र से आच्छादित कर लें। शौच के समय मुख को यत्न पूर्वक मूंदे रखें, न तो थके और न ही मुंह से ऊपर को सांस ही खींचे। मल त्याग के पश्चात गुदा भाग तथा हाथ को इस प्रकार धोएं जिससे मल का लेप और दुर्गंध दूर हो जाए। इस कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा 7-7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। फिर 1 बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2-2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। यह गृहस्थ के लिए शौच की विधि बताई गई है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दुना, वानप्रस्थ के लिए तिगुना और सन्यासी के लिए चौगुना करने का विधान है। रात को दिन की अपेक्षा आधे शौच मिट्टी लगाकर धोने का नियम है। रास्ता चलने वाले व्यक्ति के लिए उससे भी आधे शौच का नियम विधान है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो अपने मुंह को अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किए हुए मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए प्रयत्न पूर्वक दांत और जीभ की शुद्धि करनी चाहिए। ग्रस्त पुरुष किसी दूध वाले वृक्ष की 12 उंगल की लकड़ी लेकर दातुन करें। दातुन करने के पहले वनस्पति देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और समान शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर आप दातुन करें। इस मंत्र का उच्चारण करके दातुन से दांत साफ करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार और चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत और श्राद्ध के दिन भी लकड़ी का दातुन करना मना है। उन दिनों जल के 12 कुल्ले करके मुख शुद्ध करने का विधान है। कांटेदार वृक्ष, कपास, सिंधुवार, ब्रह्मा वृक्ष, पलाश, बरगद, अरंड और दुर्गंध रहित वृक्षों की लकड़ी को दातुन के काम में नहीं लाना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात भक्ति पारायण एवं प्रसन्न चित होकर चंदन फूल और तांबुल आदि की पूजा की सामग्री से भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान को पृथक पृथक पाद्य अर्ध आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करें तथा पुनः नमस्कार करके गीत आदि मांगलिक उत्सव का प्रबंध करें। ताल, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के सामने नृत्य और गान करने वाले लोगों का भी तांबुल आदि के द्वारा सत्कार करें। जो भगवान के मंदिर में गान करते हैं, वे साक्षात विष्णु रूप हैं। कलयुग में लिए हुए यज्ञ, दान और तप भक्ति से युक्त होने पर ही जगत गुरु भगवान को संतोष देने वाले होते हैं। राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, देवेश्वर आप कहाँ निवास करते हैं? तो वे मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, वहीं मैं साथ रहता हूँ। शीरश, उन्मत्त, गिरजा, मल्लिका, सेमल, मदार और कनेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। जवा, कुंद, शीरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश का, दुर्वा दल से दुर्गा का तथा अगस्त्य के फूलों से सूर्य देव का पूजन न करें। इस प्रकार पूजा विधि पूर्वक करके देव देव भगवान से क्षमा प्रार्थना करें।
पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिक की रात्रि में भगवान विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजा करते हैं वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु में धाम में चले जाते हैं। इसी के साथ यह पांचवा अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।